लाइफ में अगर ऑप्शंस ना होना तो लाइफ काफ़ी बोरिंग सी हो जाती है, बट अगर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा होना तो लाइफ कन्फ्यूजन सी हो जाती है। आज मैं आप लोगों का एक कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। अगर आप लोगों का बजट है 40 लाख रुपीज़ के आसपास और आप अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं फुल साइज़ SUV, तो MG की ग्लॉस्टर आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। क्या ऐसे रीजंस है? टॉप 5 ऐसे रीज़न मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ MG ग्लॉस्टर के। आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि क्यों इसके राइवल्स को छोड़कर आपको इसे परचेज करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लॉस्टर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी साइज। इन टायर्स को देखिए, 19 इंचेस के हैं। व्हील भी इसको देखिए, अंदर आपको काफी ज्यादा स्पेस प्रोवाइड करवाते हैं। चाहे आप डायमेंशन कॉम्पीट करवाइए, इसके राइवल्स हैं, सभी मामलों में सबसे ज़्यादा बड़ी है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में स्पेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिल जाती है। तो चलिए एक बार अंदर चल के देखते हैं कि ये स्पेस रियलिटी में कैसी फील होती है। तो अब मैं जहाँ बैठने जा रहा हूँ, ये हैं कैप्टन सीट्स और ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आप फैल कैसे बैठ सकते हैं, पैर लंबे कर सकते हैं, आगे बैठना है आगे भी आप आराम से बैठ सकते हैं। इस सीट को अगर चाहें तो पूरा रिक्लाइन करके ऐसे सोते सोते भी इस गाड़ी के अंदर 700-800 किलोमीटर की जर्नी तो कंप्लीट कर ही सकते हैं। थर्ड रो भी काफ़ी स्पेशियस है। अब स्पेस 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 इतना हो गया। रीज़न ये है कि इस गाड़ी का एक तो व्हील बेस बड़ा है, इसकी लेंथ काफ़ी अच्छी है और आपको हर जगह काफ़ी सारा स्पेस मिलता है और काफ़ी खुली खुली ये लगती है। आगे और क्या क्या प्लस पॉइंट है इस गाड़ी के, चलिए उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं इतना पीछे क्यों बैठा हूँ, बट यहाँ पर भी मैं गाड़ी से कनेक्टेड हूँ। जैसे हेलो MG, आई एम लिसनिंग, प्लीज इंक्रीज टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर इज रेज्ड टू 20 डिग्रीज। तो ऐसे जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी के अंदर ही हो। अगर सपोज मैं घर पे होता तब भी मैं गाड़ी का AC कंट्रोल कर सकता था, आवाज़ देकर नहीं, अपने फ़ोन से। बिकॉज ये गाड़ी हर टाइम सैटेलाइट से कनेक्टेड है एंड मेरा फ़ोन भी सैटेलाइट से कनेक्टेड है और यही चीज़ इसको बनाती है कनेक्टेड कार। जब आप रोड्स पे चलते हैं तो आपकी सेफ्टी का ध्यान तो गाड़ी रख लेती है, बट गाड़ी का सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? ये गाड़ी इतनी एडवांस है कि ये खुद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखती है। इस टाइप के हाईवेज पे अगर आप रेगुलर क्रूज करते हैं तो वो कैसे, चलिए आइए ये भी देख लेते हैं एक बार। तो जब आप क्रूज कर रहे होते हैं 100 या 120 की स्पीड पे, तो ये गाड़ी जो है वो आपकी सेफ्टी का ध्यान रखती है। यहाँ पर बैठा हुआ ड्राइवर सभी पैसेंजर की सेफ्टी का ध्यान रखता है, बिकॉज उसी के हाथ में होता है सब कुछ कि किस टाइप से गाड़ी को ड्राइव करना है। बट गाड़ी की सेफ्टी का ध्यान कौन रखेगा? MG ने उस चीज़ का ध्यान रखा है एंड इस गाड़ी को लैस करवाया है ADAS से, जो कि है एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से। अब वो कैसे काम करता है ये तो मैं डेप्थ में आप लोगों को बता चुका हूँ। अगर ग्लॉस्टर के ऊपर आप इन डिटेल रिव्यू देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, बट आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि सपोज अभी मैंने अगर क्रूज कंट्रोल लगा दिया एंड गाड़ी की स्पीड लिमिट सेट कर दी है अराउंड 80 की स्पीड पे, तो होगा क्या कि जैसे ही अगर कोई आगे गाड़ी आती है तो ये गाड़ी खुद से खुद ब्रेक लगा लेती है, मुझे उस टाइम पे कुछ करना नहीं होता है। एंड सपोज अगर गाड़ी हट जाती है या सामने कुछ नहीं होता है तो ये गाड़ी वापस से उसी स्पीड पे चलने लग जाती है। नेक्स्ट, इसके अंदर कोलिजन वार्निंग आती है कि सपोज एकदम से कोई बीच में आ जाता है या कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो गाड़ी आपको वार्न करती है। उसके अलावा अगर जैसे आप सपोज जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, वैसे ही अगर कोई पर्सन यहाँ पर बैठा है मैं उससे बात कर रहा हूँ या कोई फंक्शन ऑपरेट कर रहा हूँ और इन केस मेरा हाथ इधर या उधर थोड़ा सा हो गया जहाँ पर लेन चेंज हो रही है और एक्सीडेंट होने के चांसेस यहीं पे बढ़ते हैं कि या तो बंदा नीचे यहाँ पर कुछ ना कुछ कर रहा होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन ऑपरेट कर रहा होता है, तो वहाँ पर क्या होता है ध्यान हट जाता है और गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाती है। एंड अभी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आगे मेरी गाड़ी चल रही है एंड मैंने पैर हटा दिया है तो ये गाड़ी खुद ब्रेक लगाएगी और खुद गाड़ी एक्सलरेट करेगी, ये वाला पैर मेरा पीछे है। तो ये चीज़ इस गाड़ी की काफ़ी अच्छी है कि आपको चांसेस बहुत कम हो जाएंगे कि आगे किसी गाड़ी से, चलती हुई गाड़ी से ये जाके ऑटोमेटिक टकरा जाए, ये गाड़ी ने खुद से ब्रेक लगाया है। ठीक है, अब पैर मैंने आगे लेके गया हूँ। तो ये होता है ADAS फंक्शन एंड ये इसका एक प्लस पॉइंट है कि सेगमेंट में कोई भी गाड़ी आपको
इस टाइप का कोई एक भी फीचर ऑफर नहीं कर रही है। तो अगेन MG Gloster की तरफ आप जा सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना बनता है, जब आप फुल साइज SUV प्लान कर रहे होते हैं तो उनके इंजन के डिस्प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इंजन शोर कर रहे होते हैं। और जिस गाड़ी में मैं चल रहा हूँ ये तो ट्विन टर्बो से लेस है, तो डेफिनेटली आपको लग रहा होगा कि अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रही होगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर MG ने जो डैम्पिंग मटेरियल यूज़ करा गया है, जैसे कि फ्रंट विंड स्क्रीन है उसको साउंड एब्जॉर्बिंग लाइक ट्रीटमेंट दिया गया है, ऐसी कई सारी चीज़ें यहाँ पर इस टाइप से यूज़ की गई है। अंदर का मटेरियल इस टाइप से यूज़ किया गया है कि बाहर का जो साउंड है वो भारी रहे, अंदर जो है वो काफ़ी साइलेंट केबिन रहे और आप आराम से अगर अपने पार्टनर के साथ बात करते करते एक शॉफर ड्रिवन फुल साइज SUV का मज़ा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर आपको कहीं कंप्लीट लॉन्ग जर्नी करनी है तो आराम से बैठे बैठे सुकून के साथ में कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर बाहर का शोर बहुत ना के बराबर आता है, ये चीज़ आप खुद एक टेस्ट ड्राइव लेके फील भी कर सकते हैं। तो लास्ट बट नॉट लिस्ट, आप सभी को यही रहता है कि जब ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाती है, बट MG उन जैसी कंपनीज में से नहीं है। यहाँ पर प्राइस का भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है, तो जो बेस मॉडल है वो आप लोगों को इस सेगमेंट की सभी गाड़ियों में सबसे सस्ता स्टार्टिंग प्राइस ऑफर करता है, जो कि ये 29.98 लाख रुपीज़ का। जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है कुछ स्टेट्स में प्राइस थोड़ी बहुत वेरी कर जाए, बट डेफिनेटली इस प्राइस पॉइंट पे ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियोस अच्छी लगी होगी, और इस टाइप की सारी डिटेल्स वीडियोस अगर आप किसी और भी गाड़ी पे देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, इंस्टाग्राम फेसबुक पे मैसेज करके बताएं। मिलते हैं कल ऐसी अगली कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हाफ फ्रेंड्स, ड्राइव सेफ़।